वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे घर लेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस तो लेना ही पड़ेगा, तब तो मजा है लाइफ में। बीजेपी कहीं स्ट्रांग नहीं है, वो केवल झूठी बातें करके, झांसा दे करके इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है। मैं खुद जादवपुर की रहने वाली हूँ, तो ये मेरा विश्वास है, जैसे 2021 में बंगाल के लोगों ने बोला था कि बांग्ला निजर में के चाय, जादवपुर के लोग भी 2024 में वही बोलेंगे कि जादवपुर निजर में के चाय। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। ব্রিগেডিয়ার গর্জন অত্যন্ত জনপ্রিয় সুদক্ষ অক্সফোর্ড, এরপর বহরমপুর নুরুল ইসলাম, পূর্ব মেদিনীপুরের প্রতিরোধের পাশে নতুয়া ও বাউরি সমাজ উন্নয়ন সমিতি, তারপর পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী একতা পরিষদ, শঙ্কর হাসদা সভাপতি, আরামবাগ থেকে লড়বেন সাজদা আহমেদ, সিড়া লড়েন মেদিনীপুর থেকে লড়বেন ফুটবলার প্রসায়, হুগলি থেকে অসিত কুমার মাল, আপনারাই रचना जी आपको पहली बार यहाँ से टिकट मिला है, वो भी हुगली से, वहाँ पे बीजेपी की जो सांसद है लॉकेट चटर्जी, उनको भी टिकट मिला है, दोनों के बीच में एक क्या तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर वो हेल्दी होगा, गंदगी नहीं रहेगी उसमें, वो बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा, क्योंकि वो मेरा कलीग है ना, बहुत बहुत पिक्चर किए हैं एक साथ दोनों, शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी पॉलिटिक्स में आप लोग राइवल्स? वो पॉलिटिक्स में राइवल है, अपने मन में राइवल बिल्कुल नहीं है हम लोग, पता नहीं वो क्या सोचेगी, पर मेरे तरफ से तो वो राइवल नहीं है, वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगी, जनता डिसाइड करेंगे कि किसके पास रहना है। प्रचार में आप कब से उतरे? बस 3-4 दिन के अंदर। हुगली में आपका रहना होगा क्या? जी जी, रह के एकदम रह के, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे घर लेंगे और वहाँ पे लड़ेंगे। हुगली की जो सीट है वो जूट मिल बेल्ट एरिया है, तो वहाँ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है वहाँ तक पहुँचने? चैलेंज तो है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस तो लेना ही पड़ेगा, तब तो मजा है लाइफ में। चल, चुनौती तो हर रोज जिंदगी में होती है, चाहे राजनीति में हो या आम जीवन के अंदर, और धन्यवाद करता हूँ कि दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है, हमारे पूरे तृणमूल की पार्टी जो है, वहाँ के जिला जहाँ हमको घूमने का अवसर मिला है, उन लोगों ने विश्वास किया है। हम सिर्फ आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि दुर्गापुर के लोग हमें आशीर्वाद दें, जिससे उनकी आवाज़ हम पार्लियामेंट में बुलंद कर सकें। बीजेपी काफी स्ट्रांग है, बीजेपी आपको न जाने किसने कहा कि स्ट्रांग है वहाँ पर, बीजेपी कहीं स्ट्रांग नहीं है, वो केवल झूठी बातें करके, झांसा दे करके इस प्रकार से लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है, अन्यथा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो आप ये बिल्कुल न समझे कि वहाँ पर है। 1700 वोट से पिछली बार जीती थी, बस इस बार आपकी जीत पक्की? माँ भगवती कृपा रहेगी, हम तो महामाया मेरी कुल देवी है और हमको पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद रहेगा। जीती थी सोमनाथ चैटर्जी जैसे स्टॉलवर्ट को हरा के, तो उस जगह से ममता बनर्जी ने ये सीट मुझे दिया है, बहुत विश्वास के साथ दिया है। मैं खुद जादवपुर की रहने वाली हूँ, तो ये मेरा विश्वास है, जैसे 2021 में बंगाल के लोगों ने बोला था कि बांग्ला निजर में के चाय, जादवपुर के लोग भी 2024 में वही बोलेंगे कि जादवपुर निजर में के चाय। वो बात है, इस सीट पे पहले मिमी चक्रवर्ती थी और बीजेपी जो है वो वहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग मान रहा है। कौन क्या मान रहा है उस हिसाब से तो खाता नहीं खुलेगा, लोग क्या चाह रहे हैं उस हिसाब से खुलेगा। हमारी स्टैंडिंग, हमारी कैंडिडेट थी मिमी, उनके हिसाब से जितना काम करना था उन्होंने किया, कुछ कर पाई कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हम क्या हो गया है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, और मैं इतना आपको आश्वासन देती हूँ कि बहुत बढ़िया होने वाला। एयरपोर्ट बहरमपुर नुरुल इस्लाम।